बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर, आज हम चैप्टर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए करंट ऑफ 10 एम्पेयर कैरियंग कंडक्टर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला। एक करंट है 10 एम्पेयर का जो कि एक कंडक्टर में फ्लो कर रहा है और उस कंडक्टर की लेंथ 20 सेंटीमीटर है और उस कंडक्टर को 2 टेस्ला की मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। इफ द लेंथ इज एट 60 डिग्री टू द फील्ड, अगर लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के से 60 डिग्री के एंगल पर हो, देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करनी है जो कि उस कंडक्टर पे अप्लाई हो रही होगी। तो डाटा में हमें क्या चीज गिवन है, करंट 10 एम्पेयर का, आई इक्वल टू 10 एम्पेयर, कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 या 20 डिवाइडेड बाय 100, तो वो 0.2 मीटर आ जाएगा। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, बी इक्वल टू 2 टेस्ला आ जाएगा। इफ द लेंथ इज एट 60 डिग्री, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ हमने फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो फार्मूला हमारे पास यूज होगा फोर्स फाइंड करने के लिए, एफ इक्वल टू आई इन टू एल क्रॉस बी, जहां पे क्रॉस आता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो वहां पे साइन थीटा यूज होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। हमारे पास तमाम वैल्यूज मौजूद हैं, वो वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, एफ इक्वल टू आई की वैल्यू 10 गिवन है, एल की वैल्यू 0.2 मीटर है, बी की वैल्यू 2 है और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 है। तो ये वैल्यूज इसमें पुट करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर 3.5 न्यूटन आ जाएगा। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑफ 0.3 न्यूटन एक्सर्ट्स ऑन ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कंडक्टर कैरियंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है कितनी, 0.3 न्यूटन की, और वो एक कंडक्टर है 15 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है और उसमें से करंट 10 एम्पेयर का गुजर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो डाटा में हमारे पास फोर्स ऑफ 0.3 न्यूटन, एफ इक्वल टू 0.3 न्यूटन आ जाएगा। अब जहां पर क्या बात की गई है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, तो जब मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होती है उस वक्त एंगल हमारे पास जब थीटा होता है तब मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होती है। थीटा जब हमारे पास 90 डिग्री का हो तब मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होती है। तो इस वजह से यहां पर इस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स से आपने ये नोट करना है कि थीटा हमारे पास 90 डिग्री का होगा। एक्सर्ट्स ऑन ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कंडक्टर, यानी कि एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, करंट हमारे पास 10 एम्पेयर है, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड करना है। तो वही फार्मूला जो इससे पहले न्यूमेरिकल में यूज किया था, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, यानी कि एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। इसमें हमने बी फाइंड करना है तो बी इधर ही रहेगा, आई एल साइन थीटा दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो बी इक्वल हो जाएगा एफ ओवर आई एल साइन थीटा, यानी कि बी इक्वल टू फोर्स हमारे पास है 0.3 न्यूटन की डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू 10 है इनटू एल की वैल्यू 0.15 और साइन थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। तो ये नीचे वाली वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई करेंगे और इस डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 टेस्ला। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स विद इन एन एयर कोर सोलेनोइड ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर। हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की और मैग्नेटिक फ्लक्स की एक एयर कोर सोलेनोइड में जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और 4000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ है उसके, और उसमें से जो करंट गुजर रहा है वो 5 एम्पेयर है।
तो हम यहां पर डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी हैं। सोलिनॉइड ऑफ रेडियस आर हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.02 मीटर। एन नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 4000 हैं, तो एन इक्वल टू 4000 टर्न्स। करंट आई इक्वल टू 5 एम्पेयर है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बी फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो इसमें हम जो म्यू नॉट है ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 4π × 10⁻¹। ये आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि ये वाली वैल्यू इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में यूज होनी है। तो बी इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻¹। एन हमारे पास 4000 है इंटू आई की वैल्यू 5 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 0.02512 यानी कि 2.512 × 10⁻²। ये पॉइंट जब 2 डिजिट राइट साइड पे मूव होगा तो 10⁻²² हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, बी इक्वल टू 2.512 × 10⁻²। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि फ्लक्स फाइंड करना था फाई। फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है। एरिया हमें नहीं गिवन, लेकिन हम इस रेडियस की मदद से एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर के, तो ये फाई हमारे पास इक्वल हो जाएगा बी पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। फाई इक्वल टू बी की वैल्यू 2.512 × 10⁻², अभी फाइंड की थी। पाई की वैल्यू होती है 3.14 × आर हमारे पास है 0.02, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाई हमारे पास आ जाएगा 3.15 × 10⁻⁵ वेबर। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है, ए सोलेनोइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 500 टर्न्स। एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ टर्न्स 500 हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड करनी है सोलेनोइड में। इट कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर, जबकि करंट कितना गुजर रहा है 10 एम्पेयर का। तो डाटा में हमारे पास सोलेनोइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी कि एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 0.1 मीटर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स एन इक्वल टू 500 टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी हमने फाइंड करना है। करंट ऑफ 10 एम्पेयर आई हमारे पास है 10 एम्पेयर का। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब यहां पर जो एन है वो हमारे पास नहीं गिवन, कैपिटल एन गिवन है, तो ये बेसिकली जो स्मॉल एन है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के। तो B इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट एन ओवर एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई। एन की जगह पर एन ओवर एल लिख दिया इस फार्मूले के मुताबिक। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। B इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए 4π × 10⁻¹ इंटू एन की वैल्यू 500 गिवन है और एल की वैल्यू 0.1 है इंटू करंट हमारे पास 10 एम्पेयर का था। तो ये डिवाइड होकर हमारे पास 5000 आ जाएगा और बाकी वैल्यूज इसी तरह आ गई। अब इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इक्वल आ जाएगा 6.28 × 10⁻²। टेस्ला। प्रॉब्लम नंबर 5, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट मूव्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला एंड इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ 2 × 10⁻¹² न्यूटन। What will be the speed of an electron? Speed of electron find करनी है जबकि वो move कर रहा है right angle to the magnetic field, यानी कि theta 90 degree है और magnetic field कितनी है 0.2 tesla की। It experiences a magnetic force of 2 × 10⁻¹² न्यूटन और उस पर जो magnetic force apply हो रही है वो 2 × 10⁻¹² न्यूटन के equal है।
तो डाटा में हमारे पास क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वी कैलकुलेट करना है, और बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी आपने नोट कर लेना है, क्यू इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹। राइट एंगल यानी कि थीटा हमारे पास 90 डिग्री होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, बी इक्वल आ जाएगा 0.2 टेस्ला के, एंड इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स एफ इक्वल टू 2 × 10⁻¹² न्यूटन। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास है एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इस ये बेसिकली एफ इक्वल टू क्यू इन टू वी क्रॉस बी है, तो वी क्रॉस बी जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा आता है, ये हमारे पास आ जाएगा एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। वी हमने फाइंड करना है तो ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, वी इक्वल आ जाएगा एफ ओवर क्यू बी साइन थीटा के। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो एफ वी इक्वल आ जाएगा, एफ हमारे पास 2 × 10⁻¹² है डिवाइडेड बाय क्यू 1.6 × 10⁻¹⁹। बी की वैल्यू हमारे पास है 0.2 और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 है। तो ये वी इक्वल आ जाता है 2 × 10⁻¹² डिवाइडेड बाय, ये हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.32 × 10⁻¹⁹ है। 2 डिवाइडेड बाय 0.32 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.25, और ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो ये ऊपर जाकर +19 हो जाएगा, 10⁻¹ रह जाएगा, यानी कि वी इक्वल टू 6.25 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी जो हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 है, ए प्रोटॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 1.5 वेबर पर स्क्वायर मीटर। प्रोटॉन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी हमें गिवन है, फ्लक्स डेंसिटी कितनी है 1.5 वेबर पर स्क्वायर मीटर, वेलोसिटी कितनी है उस प्रोटॉन की 2 × 10⁻¹ मीटर पर सेकंड है, और जिस एंगल पे वो मूव कर रहा है 45 डिग्री है। कंप्यूट द फोर्स ऑन द प्रोटॉन, जो फोर्स है प्रोटॉन पे वो फाइंड करनी है। तो डाटा में हमारे पास सबसे पहले फ्लक्स डेंसिटी गिवन है, फ्लक्स डेंसिटी प्रोटॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, तो B इक्वल टू 1.5 वेबर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ V इक्वल टू 2 × 10⁻¹ मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45, थीटा 45 है, विद द फील्ड कंप्यूट द फोर्स ऑन द प्रोटॉन, F कैलकुलेट करनी है, और प्रोटॉन की बात हो रही है तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, वही फार्मूला जो इससे पहले न्यूमेरिकल में यूज किया है यहाँ पर यूज होगा, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो एफ इक्वल आ जाएगा क्यू हमारे पास है 1.6 × 10⁻¹⁹, वी की वैल्यू 2 × 10⁻¹ है, और बी हमारे पास है 1.5 गिवन है, थीटा 45 है, तो ये साइन 45 आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा 4.8 × 10⁻¹², 1.6, 2 और 1.5 को मल्टीप्लाई किया तो 4.8 आ गया, और ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हुई तो 10⁻¹² रह गया, साइन 45.707 होता है। 0.707 को 4.8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है 3.14, और 10⁻¹² एज इट इज आ गया तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी 3.4 × 10⁻¹² न्यूटन। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7 है, ए वेलोसिटी सिलेक्टर हैज ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। वेलोसिटी सिलेक्टर है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास 0.3 टेस्ला है। इफ अ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁴ वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है और उसकी वैल्यू कितनी है 10⁴ वोल्ट पर मीटर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल वी क्या होगी जब वो पास करेगा सिलेक्टर से। तो डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, वेलोसिटी सिलेक्टर हैज ए मैग्नेटिक फील्ड बी 0.3 टेस्ला, इफ अ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू 10⁴ वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यानी कि वी कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे ई इक्वल टू वी बी, इसमें हमने v फाइंड करना है तो v इक्वल हो जाएगा e ओवर b के,
v इक्वल हो जाएगा, e हमारे पास है 10^4 डिवाइडेड बाय b 0.3 है, तो डिवाइड करेंगे ये हमारे पास 3.3 इंटू 10^4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये जो है ना हमारे पास e इक्वल टू वी बी, ये दो फोर्सेस का कंपैरिजन करें तो वहां से हमारे पास रिलेशन आता है, यानी कि एक हमारे पास F इक्वल टू क्यू ई हो और दूसरी फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी, तो वहां से क्यू क्यू से कैंसिल होके E इक्वल टू वी बी आ जाता है। वैसे इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करके इस तरह आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 8। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर हैविंग 2000 टर्न्स एंड कैरियंग अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। रेक्टेंगुलर कॉइल है और उस रेक्टेंगुलर की एक साइड 10 सेंटीमीटर की है और दूसरी साइड 6 सेंटीमीटर की है, यानी कि इनको हम यूज करके एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। हैविंग 2000 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स 2000 है, कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर, आई हमारे पास 5 एम्पेयर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, बी की वैल्यू 0.5 टेस्ला है, मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है जो कॉयल के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। तो रेक्टेंगुलर कॉयल यानी कि एरिया हमारे पास है 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तो अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें डिवाइडेड बाई 100.1 मीटर और 6 डिवाइडेड बाई 100.06 मीटर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 0.006 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। हैविंग 2000 टर्न्स, एन इक्वल टू 2000 टर्न्स, कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर, आई हमारे पास 5 एम्पेयर आ गया, प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी 0.5 टेस्ला, कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क हमने फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, टॉर इक्वल टू एन ए आई बी, हम टॉर्क जो किसी भी रेक्टेंगुलर कॉयल जो मूव कर रही होती है उसके ऊपर जो टॉर्क अप्लाई हो रहा होता है वो हमने फार्मूला यूज किया, टॉर्क इक्वल टू एन ए आई बी, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, टॉर्क इक्वल आ जाएगा एन 2000 है, ए हमारे पास 0.006 है, आई की वैल्यू 5 है और बी हमारे पास है 0.5, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, टॉर्क इक्वल हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर के। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ऑफ रेंज 5 एम्पेयर। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि रिक्वायर्ड होगी एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, कितनी रेंज होनी चाहिए 5 एम्पेयर की। वेयर द गैल्वेनोमीटर हैज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस 50 ओम है, जब वो फुल डिफ्लेक्शन शो करता है करंट के साथ वो कितनी है 10 मिली एम्पेयर की है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 मिली एम्पेयर है। तो डाटा में हम जो चीज़ें नोट करनी है, जो स्टेटमेंट में गिवन है वो नोट कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस RS फाइंड करना है, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर ऑफ रेंज 5 एम्पेयर, करंट 5 एम्पेयर का है। वेयर गैल्वेनोमीटर हैज इंटरनल रेजिस्टेंस 50 ओम, ये रेजिस्टेंस किसकी है, गैल्वेनोमीटर की है, तो इसको लिखेंगे आर जी इक्वल टू 50 ओम एंड इट गिव्स फुल डिफ्लेक्शन विद करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर, तो आई जी कितना है 10 मिली एम्पेयर है, इसको एम्पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, मिली 10^-3 होता है या 1000 से हम डिवाइड कर दें तो 0.01 एम्पेयर आ जाएगा। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, शंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है हमारे पास आर एस इक्वल टू आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी है, तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, वो वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, आर एस इक्वल हो जाएगा आई जी की वैल्यू है 0.01, आर जी की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय आई हमारे पास 5 है माइनस आई जी 0.01 है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और ये 5 - 0.01 4.99 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो शंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 0.1 ओम। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 10। ए गैल्वेनोमीटर हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस 40 ओम, गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस 40 ओम है एंड डिफ्लेक्स फुल स्केल फॉर 4 मिली एम्पेयर करंट, और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है किस कितनी 4 मिली एम्पेयर की,
कैलकुलेट द हाई रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वानोमीटर। यहां पर हमने क्या फाइंड करनी है, हाई रेजिस्टेंस फाइंड करनी है जो कि गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट की जा सके, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 100 वोल्ट। यानी कि गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस यूज करनी होगी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो डाटा में हमारे पास क्या चीज गिवन है, गैल्वानोमीटर हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 40 ओम, और ये किसकी है, गैल्वानोमीटर की, तो आर जी आ जाएगा 40 ओम। डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल फॉर 4 मिली एम्पियर करंट, आई हमारे पास, और ये करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन कौन शो कर रहा है, गैल्वानोमीटर, आई जी आर आ जाएगा, आई जी 4 मिली एम्पियर, 4 × 10⁻³ एम्पियर। कैलकुलेट द हाई रेजिस्टेंस आर एच कैलकुलेट करनी है, दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वानोमीटर इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 100 वोल्ट। यानी कि वोल्टेज हमें गिवन है 100 वोल्ट, ये रेंज गिवन है, ये यहां पर कैपिटल वी आएगा। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हाई रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जब गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो, जो फार्मूला है वो हमारे पास है आर एच इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी, ये भी कैपिटल वी आएगा। स्मॉल वी से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वी हमारे पास वोल्टेज होता है। तो आर एच इक्वल आ जाएगा, वी हमारे पास है 100 डिवाइडेड बाय आई जी की वैल्यू 4 × 10⁻³ माइनस आर जी की वैल्यू 41 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास 25 × 10³ आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 100, 100 डिवाइडेड बाय 4 25, 10⁻³ ऊपर जाकर 10⁻³ हो जाएगा माइनस 40। हम इसको लिख सकते हैं 25000, 10⁻³ को साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 25000 माइनस 40, जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24960 ओम। ये हाई रेजिस्टेंस आ जाएगी जो हमने कैलकुलेट करनी थी। तो यहां तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।